अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक पटे गुरु, मैं आपका विकास, आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कट ऑफ मार्क साइंटिफिक असिस्टेंट ए, जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था NLT NDL 2017 6, यानी कि आपका जून 2017 जून का, ये आपका जो असिस्टेंट टेक्निकल साइंटिफिक असिस्टेंट ए का जो आपका था, जिसकी आपकी कट ऑफ मार्क और लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड स्टूडेंट के नाम की लिस्ट NLT ने जारी की है। तो जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं वो अपने लिस्ट देख सकते हैं। तो अभी आपको दिखा देते हैं कौन कौन सिलेक्टेड हुए हैं और कितनी कट ऑफ आपकी मार्क इसमें गई है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका देख सकते हैं 2017 6 का है आपका। तो सबसे पहले कट ऑफ मार्क देख लेते हैं, और अगर आपको अपना कट ऑफ मार्क देखना है तो अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना कट ऑफ मार्क देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले ओवरऑल कट ऑफ कितना गया है। तो ये मेरे पास PDF अवेलेबल है, साइंटिफिक असिस्टेंट ए रिक्वायरमेंट ये आपकी 2017 6 की है। कट ऑफ मार्क एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्टेड पोस्ट ये आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट CS की है, जिसमें आपका जनरल में 63 पॉइंट हाईएस्ट आपके परसेंटेज जो दिया यहाँ पे गया है 63.66, और कट ऑफ आपका है 63.23। OBC में 59.88 और 59.88 आपका, ये आपका हो गया CS ब्रांच का। इलेक्ट्रॉनिक के लिए है यू है जनरल में 70.13 और कट ऑफ मार्क का 68.64। OBC में आपका हाईएस्ट परसेंटेज गया है 67.8, कट ऑफ मार्क 65.68। SC में 59.33 और कट ऑफ परसेंटेज है 58.48। उसी प्रकार से आपका IT पोस्ट में आपके लिए जनरल में आपका कट ऑफ 53.15 और SC में 44.54 आपका कट ऑफ मार्क गया है। तो ये तो आपके कट ऑफ मार्क होगा, तो जो भी स्टूडेंट ICS इलेक्ट्रॉनिक या IT के थे तो उनके कट ऑफ आपकी इतनी गई है, और जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। तो ट्रेड वाइज हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। तो ये रिजर्व पैनल ऑफ कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट ए, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक की है, जिसमें कि जनरल में आपके 3 लोगों के नाम आए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ, रोल नंबर भी दिया है, और OBC में 2 लोगों के नाम है और SC में 1 लोगों का नाम है। उसी प्रकार से ये आपकी IT की है, जिसमें आपके 2 लोग सिलेक्ट किए गए, एक जनरल एक SC का। उसके बाद ये आपकी CS की है, इसमें एक जनरल और एक SC का स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए। उसके बाद मेरे पास ये जो प्रोविजनल लिस्ट से जो सिलेक्ट की गई थी वो अवेलेबल है, जो कि आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक की है, इसमें करीब 11 लोग सेलेक्ट किए गए हैं जनरल के हैं, OBC और SC के। तो अपना नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये आपकी IT की है, जिस 3 लोगों की लिस्ट बनी थी जिसमें आपके करीब 2 लोग सेलेक्ट किए गए, ये इसमें 3 लोग सेलेक्ट किए गए थे, फिर बाद में 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया। तो पहले 3 सेलेक्ट किए गए थे सब में, फिर इसमें 11 सेलेक्ट किए गए थे, उसमें से जितने उनको लेने थे उन्होंने अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट बना के सिलेक्टेड कर लिया है। तो कट ऑफ मार्क आप देख सकते हैं इतनी कट ऑफ मार्क गई थी, और ये स्टूडेंट जो है वो फाइनली सिलेक्टेड हो गए हैं, और ये प्रोविजनल लिस्ट बनाई गई थी जिसमें इतने लोगों का नाम था। तो कट ऑफ मार्क अगर आप अपना खुद का कट ऑफ मार्क देखना चाहते हैं तो ये लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना, अगर आपका इसमें नाम नहीं भी आया है तो भी आप अपना यहाँ पे अगर आपने फॉर्म पेपर दिया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना कट ऑफ मार्क कितना आपका गया है। तो यहाँ से करते आपको समझ में आ गया होगा, पूरी डिटेल में मैंने बता दिया है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं इस संदर्भ में, और इसकी PDF आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों में, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।